हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, EMRS में कुल मिला के 10,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है और अभी जो है 30,000 नए शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रावधान स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस समय आप ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो जो नई वैकेंसी है ये कब तक आने वाली है, इसमें लगभग 30,000 पद होंगे लेकिन इसे स्टेप वाइज कंप्लीट किया जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो दूसरा चरण होगा इसमें भी कुल मिला के 10,000 शिक्षक भर्तियां होने जा रही हैं। अभी हाल ही में जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया है कि निकट भविष्य में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट के अंतर्गत कुल 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो वक्तव्य उनका उनको आप सुन सकते हैं और मैं आपको सबसे पहले तो उनका एक ट्वीट दिखा देता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया है हाल ही में, थोड़ा मैं जूम कर दूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, लिखा गया है कि अभी एकलव्य विद्यालय के 10,000 शिक्षकों का नियुक्ति कर दिया गया है, इसके अलावा 30,000 शिक्षकों का और नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। श्री अर्जुन मुंडा माननीय केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में EMRS मंझारी के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने ये बात कही है। तो उन्होंने क्या कहा इसको आप सुन सकते हैं। स्कूल खोलने का उद्देश्य यही, अभी 10,000 शिक्षकों का हमने नियुक्ति कर दिया, अब यहाँ पर भी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा 30,000 शिक्षकों का और नियुक्ति का हमने मार्ग प्रशस्त कर दिया है और उसमें मैं चाहूंगा कि स्थानीय लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कैसे हो, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और इस बार यहां से लगभग 250 टीचर की बहाली हुई है झारखंड से, आने वाले फिर 10,000 बहाली का नियुक्ति होने वाला है, बहाली होने वाला, उसमें भी अधिक से अधिक यहां के शिक्षक आए, इसके लिए भी तैयारी करना जरूरी है। क्योंकि उन जो स्कूल में हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं शिक्षकों के नियुक्ति के माध्यम से, वो स्कूल अच्छे ढंग से विद्यार्थी उत्पाद करने के लिए, विद्यार्थी पैदा करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और आने वाले निकट भविष्य में आपको 10,000 पदों पर एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। EMRS के अंतर्गत अगर आप शिक्षक चुने जाते हैं तो आपको वही सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि KVS और NVS में मिलती हैं। तो ये गुड न्यूज़ है, तो इस गुड न्यूज़ को आप लाइक और शेयर जरूर करिए। कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो बांटिए और भी खुश होइए। थैंक यू।